हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अपने नोटिस के सेकंड पार्ट में एक छोटी सी नोटिस की बात करेंगे जो मैक्सिमम लोगों को कवर करती है, यानी ये REG3 की जो नोटिस आती है ना, ये कई लोगों को आती है। मतलब मैक्सिमम SSCs या कह सकते हैं जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके पास ये नोटिस आती है। भाई, आपका एड्रेस सही नहीं है, आपका ना मोबाइल नंबर सही नहीं है, आपका मेल ID वर्क नहीं कर, मीन्स आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है ना, नॉर्मली मोबाइल नंबर जो आप आधार वाला होते हैं वही देते हैं, अदरवाइज नोटिस आ जाएगी या वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि वो मोबाइल नंबर OTP से भी अटैच होता है। तो आपके पास जो नॉर्मली मैसेज आता है या नोटिस आती है आपके डैशबोर्ड पर GST पोर्टल में, उसमें सबसे पहला ये होता है कि आपको एक नोटिस सर्व की जाती है और आप इसका जवाब 7 दिन के अंदर दे दें। उसमें लिखा रहता है जब आप नोटिस को ओपन करते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। अब चाहे आपका आधार हो, पैन कार्ड हो, या किसी चीज़ का वैलिडेशन ना हो पा रहा हो, या जो आपने अपने रेंट एग्रीमेंट दे रखे हैं उसमें एड्रेस क्लियर ना हो, या एड्रेस मिसमैच होती हो, या डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच ना हो रही हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स तो लगाए हैं और साथ में वो मैच ना कर रहे हों आपके डिटेल से। साथ ही साथ जियो कोडिंग आ गया है GST में, अब जियो कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। जब आप सबमिट करते हैं तो बोल देता है कि भैया आपका ये मैच नहीं कर रहा, आपने जो एड्रेस दे रखी है उसके हिसाब से जियो कोडिंग आपकी हो नहीं रही है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, तो आपको एक वार्निंग दे देता है। बाद में नोटिस आने की चांसेस तो रहती ही रहती हैं। तो आजकल तो ये भी हो चुका है कि एड्रेस मैच नहीं कर रही। तो कहने का मतलब ये कि REG3 में आता है, आपको प्रॉपरली इसको रिप्लाई देना है। डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको प्रॉपरली इसका रिप्लाई देना है। REG4 में जा करके, REG4 में आप रिपोर्ट दे मतलब रिप्लाई करेंगे 7 दिनों के अंदर। देखिए क्या लिखा है कि REG3 में आपको एक नोटिस आती है और Rule 9 Subsection 2 के तहत आती है, आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनके बीच में अगर कोई मिसमैचिंग होती है तो आपसे ये नोटिस में पूछा जाता है। एक्शन क्या लेंगे आप? एक्शन लेंगे, रिप्लाई करेंगे REG04 में जी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करेंगे जो आपको मांगे गए हैं, या चेंज करके आप अपलोड करेंगे। टाइम लिमिट कितना दिया गया है? 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने इसको प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया तो आपकी जो REG01 था ना, उसको रिजेक्शन हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। तो बेसिकली REG3 की नोटिस आती है इसलिए कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और आपने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया GST पोर्टल पे जाकर के वो मिसमैच हो रहा है, सही चीजें सही तरीके से आपने फिल नहीं की या वो मैच नहीं कर रहे थे, तो आपसे REG03 में नोटिस दे करके मांगा गया। आपको REG04 में जाकर के आपको रिप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अगर सामने वाला सेटिस्फाई होता है तो यू विल बी अवॉर्डेड विद द GST रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड, रिजेक्टेड। और वो जो रिजेक्शन होगा ना, वो REG05 में होगा। कहाँ होगा? REG05 में ये रिजेक्शन का आपके पास नोटिस आ जाएगा। फिर आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश टाइप से। क्लियर है? ये नीचे मैं बस पढ़ देता हूं, अदरवाइज कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। GST REG03 इज अ नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टिल यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर जस्ट वॉन्टेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट और कैंसिलेशन। इट इज बाई द प्रॉपर ऑफिसर द कंसर्न GST ऑफिसर टू द एप्लीकेंट टू गेट द सेट एडिशनल इंफॉर्मेशन बाई इश्यूइंग REG03। पक्की बात है, इसी तरह से मजे लेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन में आपके सामने आएंगे, फिर एक नई नोटिस की बात करेंगे। तब तक के लिए चाहते हैं, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।